इस वीडियो में हम करने वाले हैं Samsung Crystal iSmart 2023 का मॉडल CU60 और Xiaomi X Pro का एक ह्यूज कंपैरिजन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 43 इंच 4K के मार्केट में टीवी आती हैं 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में, लेकिन ये दोनों ही टीवी 32,000 रुपए की आ रही हैं, 31990 एंड 31990। एक और चीज, इसमें आपको 7,000 रुपए का सैमसंग का स्लिम फिट कैमरा फ्री मिलता है, जिससे कि आप गूगल मीट के जरिए बात कर पाएंगे, लेकिन इसमें आपको हैंड्स फ्री कंट्रोल मिलता है, जिससे कि आप डायरेक्टली गूगल से बात कर पाएंगे और कुछ भी कह पाएंगे कि ओपन नेटफ्लिक्स एंड एटसेट्रा। तो अब बात ये आ जाती है कि दोनों में से बेहतर कौन है। ऑब्वियसली दोनों में बढ़िया बढ़िया कुछ फीचर्स दिए गए हैं और मैं दोनों टीवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर एक कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। मैं अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। मैं बूट के बारे में बताता हूं, ऑडियो वीडियो क्वालिटी के बारे में बताता हूं, यूजर इंटरफेस के बारे में बताता हूं, पोर्ट्स, डिज़ाइन, रिमोट, हर चीज़ के बारे में आपको बताता हूं, एंड एट द एंड आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा टीवी बेहतर है। कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आज भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों ही टीवी बहुत अच्छे निकले हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदना है तो पछताओगे तो आप किसी भी टीवी को खरीदने से नहीं। यहां पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इन टीवी को खरीद सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे। इस वीडियो को बनाने में करीबन 24 घंटे लगे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करना, इट्स अप टू यू, बट अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक जरूर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन देख लेना, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लेट्स गेट टू द वीडियो। दोस्तों, पहले बात करते हैं सैमसंग की। इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके अनबॉक्सिंग देख सकते हो, पूरा रिव्यू किया हुआ है, 30 मिनट की वीडियो थी। इसमें आपको 7,000 रुपये का कैमरा फ्री मिलेगा जो कि 15 दिन के बाद आएगा, तो उसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। अब बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ टीवी आता है। ऑब्वियसली इसमें आपको सैमसंग के जो रिमोट है वो मिलता है, लेकिन IR वाला रिमोट है और वॉइस सर्च का फंक्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। टैप टू कास्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने सैमसंग के फ़ोन को टैप करेंगे तो कास्टिंग शुरू हो जाएगी। एंड स्पीकर 20 वाट के डिसेंट हैं, लाउड इनफ नहीं जाते हैं और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पर Xiaomi X Pro की बात करें तो इसमें आपको वॉल माउंट भी फ्री मिलता है, इसमें आपको वॉल माउंट फ्री नहीं मिलेगा। जबकि Xiaomi X Pro की बात करें तो इसमें आपको हैंड्स फ्री कंट्रोल फ्री मिलता है, पैच वॉल का सपोर्ट मिल जाता है। पैच वॉल के सपोर्ट से होता बेसिकली ये है कि थोड़ा सा कंटेंट वॉचिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है। गूगल टीवी का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आप थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस बना सकते हो। लेकिन इसमें आपको सैमसंग में टाइजन OS मिलता है जो कि ओवरऑल फास्ट एंड फ्लूइड रहता है। ये कुछ होगी स्पेक्स की बात, फटाफट से स्पीड की बात करते हैं और बूट में देखते हैं कि कौन सा टीवी पहले बूट होता है। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं Samsung Crystal iSmart लेटेस्ट 2023 का क्रिस्टल सीरीज की टीवी और दूसरा Xiaomi का X Pro MI TV X Pro 4K वाला, जो कि MI का सबसे अपडेटेड और सबसे बेस्ट टीवी है 43 इंच 4K में, का एक बूट कंपैरिजन। मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों टीवियों को स्विच से बंद किया गया था, दोनों टीवियों को अब मैं रिमोट से चालू करूंगा और देखते हैं कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है। ये कंपैरिजन बहुत से लोग नहीं करते हैं, मैं करता हूं, बिकॉज आई बिलीव कि टीवी आपकी जल्द से जल्द स्टार्ट होती है, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सैमसंग का टीवी तुरंत ही स्टार्ट हो गया है। सैमसंग के टीवी की एक खासियत यह है कि अगर आपने स्विच ऑन भी किया ना, तो स्विच ऑन करके जब तक आप सोफे तक आओगे ना, वो बैकग्राउंड में ही सारा प्रोसेस कर लेगा। वैसे ओवरऑल और भी टेस्टिंग होती है, 5-7 सेकंड में ही आपका होम स्क्रीन आ जाती है, जबकि Xiaomi में ऐसा कुछ नहीं है कि बैकग्राउंड में ही प्रोसेस होकर टीवी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। गूगल टीवी के साथ आता है जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक 25-30 सेकंड्स इन माय ओपिनियन। इतना टाइम जो है एंड्रॉइड टीवी का आइडियल रहा है पिछले 3-4 साल से, उतना टाइम तो लगेगा ही। तो बूट में ज़्यादा हम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, साफ साफ सीधा सीधा विनर रहने वाला है सैमसंग। इसके अलावा अगर आप और स्पीड में भी बात करोगे तो भैया सच में सैमसंग बेटर है। मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल तरीके से, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सारे ऐप्स चला के दिखाऊंगा और देखेंगे कि कौन सी टीवी में पहले बूट होता है। यहाँ पर Xiaomi स्टार्ट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे Xiaomi का X Pro टीवी है ये लेटेस्ट वाला। दोनों में ही वैसे अभी एक बार चेक करने दो, कॉलिंग वगैरह सब स्टार्ट हो रही है कि नहीं। हाँ, हो गई है। अब मैं दोनों में ही नेटफ्लिक्स का बटन दबाऊंगा और देखते हैं नेटफ्लिक्स पहले कौन खोल के देता है। सेम टाइम पे बिल्कुल 1 सेकंड का भी अंतर नहीं, नेटफ्लिक्स का बटन दबाया है और यहाँ पे तो प्रोफाइल भी आ गई है सैमसंग में, और मैंने सबसे लास्ट प्रोफाइल में खोल भी दिया है, और यहाँ पर तो मैं चाहूँ तो कंटेंट भी प्ले कर सकता हूँ ईजिली। और अभी Xiaomi में तो भैया चक्का ही घूम रहा है नेटफ्लिक्स का, पता नहीं कितना टाइम और लेगा। दिस इज द पावर ऑफ Samsung Crystal 4K प्रोसेसर जो कि Samsung की टीवी में बिल्ट इन है, अब जाके कहीं आया है।
और ऐसा नहीं है कि टीवी पहले से रैम में था, फिर भाई आपके सामने टीवी स्टार्ट करिए मैंने, अब देखते हैं हम प्राइम वीडियो पे पहले कौन स्विच करता है। ये मैंने प्राइम वीडियो का बटन दबाया है और यहाँ पे सैमसंग की टीवी में हमने प्राइम वीडियो में उदित खोल दिया है, उदित की प्रोफाइल, और स्क्रॉलिंग चालू हो गई है प्राइम वीडियो के अंदर। अभी तो यहाँ लोगो आया है शाओमी के एक्स प्रो में, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा फास्ट है। यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर स्पीड्स इन द सैमसंग शाओमी को अगर कंपेयर करना चाहें तो, दी नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं। होम स्क्रीन का बटन हमने दबाया दोनों में और आ गए हैं। उसके बाद हम एक बार हॉटस्टार का और देख लेते हैं कि हॉटस्टार कौन सा टीवी पहले खोल के देता है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार लोडिंग आया है यहाँ पर सैमसंग की टीवी में और शाओमी जीत गया है हॉटस्टार में एक्चुअल में, तो काफ़ी फास्ट काम हुआ यहाँ पर, और सैमसंग भी ज़्यादा पीछे नहीं, 2-4 सेकंड का ही है। तो ओवरऑल पूछोगे तो यहाँ पे साफ साफ विनर है स्पीड के मामले में सैमसंग का क्रिस्टल 4K आई स्मार्ट टीवी, जो कि सैमसंग क्रिस्टल 4K प्रोसेसर के साथ बिल्ट इन आता है। यू कैन नॉट गो बेटर देन दिस इन दिस रेंज और इन दिस सेगमेंट, दिस इज द विनर सैमसंग क्रिस्टल 4K आई स्मार्ट। तो आपने देखा बूट में तो यहाँ पे सैमसंग जीत रहा है, स्पीड में सैमसंग जीत रहा है, कोई भी ऐप स्टार्ट करेंगे आप तो सैमसंग में आपको बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। वारंटी के बारे में बता देता हूँ, तो वोडाफोन की वारंटी आपको 1 साल की मिलती है सैमसंग की अमेजिंग सर्विस और एमआई की अमेजिंग सर्विस के साथ ये बैक्ड अप है। बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 years ना, यू कैन चेक आउट गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो कि करती क्या है, आपको वारंटी एक्सटेंड करके देती है 4 साल तक। अब 1 साल की इसकी है ऑलरेडी, 4 साल की ऑलरेडी हो जाएगी, तो 1+4=5, 5 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी कि भैया हमारा टीवी में प्रॉब्लम आ रही है, वो टेक्नीशियन विजिट करवाएंगे और आपकी टीवी को जेन्युइन सर्विस और ओरिजिनल पार्ट्स के साथ में रिपेयर करके देंगे। जेन्युइन पार्ट्स और ओरिजिनल सर्विस दोनों में काम करता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वारंटी एक्सटेंड करके देते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, पंखे, कूलर, मोबाइल फोन्स, हर चीज़ की वारंटी एक्सटेंड करके देते हैं। इसके साथ साथ ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लीज़ इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी से कंपेयर मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देने वाली वारंटी है। लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द यूजर इंटरफेस कंपेरिजन, उसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कौन सा यूजर इंटरफेस बेहतर है। दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं यूजर इंटरफेस के बारे में, सैमसंग क्रिस्टल 4K आई स्मार्ट और दूसरा है हमारा शाओमी का एक्स प्रो। तो यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे साफ साफ, तो ये शाओमी का पहला टीवी था जो कि गूगल टीवी के सपोर्ट के साथ में आता था। इसमें आपको पैचवॉल का सपोर्ट भी मिलता है, जैसे ही आप पैचवॉल का बटन दबाते हैं आपके टीवी में पैचवॉल खुल जाता है। पैचवॉल में अलग अलग से फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप अपने एमआई होम में जाके लॉगिन करके आप अपने कैमरा की फीड को दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो एमआई होम में जो भी हैं, बाकी बहुत सारा कंटेंट बाहर ही आ जाता है, जैसे कि आज तक आ रहा है तो बाहर ही आ रहा है, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है किसी ऐप पर तो वो ऐप का कंटेंट बाहर निकल के आ जाता है, जैसे कि टू किसी प्राइम वीडियो पड़ी हुई है तो प्राइम वीडियो से बाहर निकल के आ गई है हो पैचवॉल की होम स्क्रीन पे ही। तो अगर आपको प्ले करनी है तो यू जस्ट हैव टू सर्च आउटसाइड इन द होम स्क्रीन, यू डोंट हैव टू गो इनसाइड द ऐप एंड देन सर्च इट फॉर द कंटेंट। आपका ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्होंने अच्छा बनाते बनाते पैचवॉल को लगभग परफेक्ट कर दिया है। बाकी गूगल टीवी का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, जो नॉर्मल कंटेंट है वो बाहर इसमें भी दिखता है, तो अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट अगर आप स्पीड चाहते हो अपने यूजर इंटरफेस में तो यहाँ आता है टाइजन OS। इसमें लगभग सभी पॉपुलर एप्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा इसमें सेट टॉप बॉक्स के साथ इंटीग्रेशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि ये हॉटस्टार ये रिसेंट एप्स तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन नाउ में ना जो कुछ फ्री चैनल्स हैं वो तो हैं ही, जो कि आपको शाओमी के पैचवॉल प्लस में मिल जाते हैं, पैचवॉल प्लस का सपोर्ट है इसमें, इस पैचवॉल प्लस के साथ टीवी के कुछ फ्री चैनल्स में मिल जाते हैं। पर सैमसंग की बात करें तो आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करोगे तो सेट टॉप बॉक्स के भी सारे चैनल इसी में आ जाएंगे, तो ये एक्सपीरियंस अगर आप सेट टॉप बॉक्स में स्टार प्लस या फिर जी टीवी या सोनी सब तारक मेहता वगैरह देखने के लिए टीवी ले रहे हो तो एक्सपीरियंस इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा सैमसंग में बेहतर, ये छिपी बात नहीं है, बहुत बेटर लगता है। और इसी रिमोट से आप सेट टॉप बॉक्स को कंट्रोल भी कर पाओगे, शाओमी में ऐसा नहीं है, आपको कंट्रोल करना है टीवी को तो सेट टॉप बॉक्स का अलग रिमोट होगा, टीवी का रिमोट अलग होगा। ये तो रही यूजर इंटरफेस की बात, स्पीड में आपका कोई मुकाबला नहीं है, दोनों ही टीवियों की यूजर इंटरफेस की अलग अलग खासियत है। अगर आप चाहते हो कि हम एंड्रॉयड की तरफ जाएं, हम थोड़ा स्लो झेल सकते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बूट वाले में स्पीड का कंपेरिजन दिखाया जाता, तो शाओमी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें सिर्फ स्ट्रीमिंग ऐप्स ही देखने हैं, पॉपुलर ऐप्स ही चाहिए, लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स आपको मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऐप है पॉपुलर जो आप बोलेंगे और इसमें नहीं मिलेगा, प्राइम वीडियो, Z5, सोनी लिव, बूट, सभी ऐप इसमें आपको मिल जाएंगे, उसमें इरोज नाउ भी है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन वही है कि अगर आप लिमिटेड फील नहीं करना चाहते हो ऐप्स के मामले में, गेम्स अगर खेलना चाहते हो टीवी में, तो आपको थोड़ा बहुत एंड्रॉयड की तरफ झुकना पड़ेगा और शाओमी विल बी अ बेटर डील। लेकिन अगर स्पीड चाहते हो और जस्ट वॉन्ट द गेट थिंग्स राइट एंड
ऑन टाइम देन सैमसंग इज़ द टीवी टू गो फॉर। और इसमें भी आपको कंटेंट बाहर निकाल के दिखाते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है। नेटफ्लिक्स का कंटेंट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, प्राइम वीडियो का भी आ रहा है, जी फाइव का भी आता है, सोनी लिप का भी आता है, तो एक्सपीरियंस दोनों में ही अच्छा है। बट मेरा पर्सनल पिक पूछोगे तो मैं एंड्रॉयड से बोर हो चुका हूँ, गूगल टीवी से भी बोर हो चुका हूँ, और आई वॉन्ट स्पीड। अगर मेरे को अगर टीवी देखनी है तो मैं बस चाहता हूँ कि टीवी स्टार्ट करूँ और फटाफट से नेटफ्लिक्स खुल जाए और काम हो जाए, क्योंकि टीवी पर आप गेम खेल रहे हो ना, तो मैं तो नहीं खेलता ना पर्सनली, तो मैं सैमसंग को विनर बना रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन दोनों ही टाई रहेगा और इट्स अप टू, इट्स वेरी बहुत सब्जेक्टिव है कि कौन सा विनर है, किसी इंसान के लिए शाओमी होगा, किसी इंसान के लिए सैमसंग होगा। बात एक को आपको और बता दूँ कि सैमसंग के इस टीवी में आपको कोई भी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन स्पीड इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट चाहते हो कि नहीं भैया बिना वॉइस असिस्टेंट के नहीं होगा, तो फिर ये टीवी मत लेना। जबकि शाओमी में आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ में हैंड्स फ्री वाले फार फील्ड माइक भी मिलते हैं, जो नीचे आप चार लाइट देख रहे हैं उसमें आप ओके गूगल बोल के कुछ भी करवा सकते हैं। बोलोगे ओके गूगल ओपन नेटफ्लिक्स तो चल जाएगा, भले मेरा रिमोट रखा हो, रिमोट यूज़ भी नहीं कर रहा, रिमोट कहीं भी रखा हो मैं यूज़ कर सकता हूँ टीवी को हैंड्स फ्री। लेकिन सैमसंग के टीवी में भी एलेक्सा और गूगल का सपोर्ट है, तो आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो टीवी को, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने एलेक्सा से बोलोगे, अगर आपके पास एक एको डॉट है, तो भी आप इस टीवी को कंट्रोल कर पाओगे, बट टीवी के अंदर आपको कोई गूगल असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। तो पलड़ा भारी थोड़ा थोड़ा शाओमी का हो रहा है, बट पर्सनल चॉइस और स्पीड के मामले में सैमसंग विनर है, और मैं पर्सनली सैमसंग को ही चूज़ करूँगा, वैसे यूज़ इंटरफेस में टाई रहेगा। तो दोस्तों दोनों ही मैं तो कहूँगा टाई सा ही है, क्योंकि दोनों की अलग अलग कमियाँ हैं, दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं। बट मैं जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग ज़्यादातर टीवी देखने लिए खरीदते हैं, तो आपको सेट टॉप बॉक्स के साथ इंटीग्रेशन बेहतर इसमें मिलेगा और ये बहुत फास्ट है। मेरी पर्सनल चॉइस यही रहेगी, अगर अनटिल अनलेस आपने मन ही बना लिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड टीवी ही चाहिए, देन आप इसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज सैमसंग बेहतर रहेगा मेरी नज़र में। दोस्तों यहाँ हम कर रहे हैं कंपैरिजन सैमसंग के रिमोट और शाओमी के रिमोट का, तो सैमसंग के रिमोट में आपको वॉइस सर्च का बटन देखने को नहीं मिलता है, जो कि मिसिंग है, बाकी में मिलता है। सैमसंग के पास सोलर वाला रिमोट भी आता है, लेकिन ये सोलर वाला नहीं है, जबकि ये तो ब्लूटूथ भी नहीं है, तो IR वाले रिमोट है। तो रिमोट में तो शाओमी जीत रहा है, क्योंकि इनके पास हॉटकीज़ में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज़्नी प्लस हॉटस्टार है, इनके पास भी हॉटकीज़ में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, और सैमसंग टीवी प्लस की एक एक्स्ट्रा हॉटकी मिलती है, जबकि इसमें एक और काम की हॉटकी मिलती है, यूट्यूब। तो हॉटकीज़ भी बेटर हैं शाओमी के रिमोट में, जबकि सैमसंग के रिमोट में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बट इस रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हो सेट टॉप बॉक्स को, एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो मैं शाओमी के रिमोट को चूज़ करूँगा, शाओमी का रिमोट है यहाँ पर रिमोट कंपेरिजन में विनर। तो दोनों का ही रिमोट अच्छा है, बट ओवरऑल जो शाओमी का रिमोट है वो बेहतर है, लेकिन वो यूनिवर्सल कंट्रोल करके नहीं देता, सैमसंग का यूनिवर्सल कंट्रोल करके देता है, ये बात मैं आपको बता दूँ। सेटअप उसको भी आपका यही कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ओवरऑल विनर तो शाओमी का ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट बिटवीन सैमसंग एंड शाओमी। आप देख रहे होंगे शाओमी की पिक्चर थोड़ी सी ना सैचुरेटेड ज़्यादा दिखा रहे हैं वो ऑरेंजिश टोन्स में। यहाँ पे ब्लूज़ की बात करोगे तो आई विल प्रेफर सैमसंग इन टर्म्स ऑफ जो नेचुरल ओरिजिनल कलर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना जो विविड पिक्चर इंजन है शाओमी का, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉप कराने की कोशिश कर रहा है। फॉर माई पर्सनल लैकिंग आई विल नॉट प्रेफर दिस। जब मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग के जो पिक्चर मोड है वो डायनेमिक पे सेट है, और डायनेमिक और शाओमी का वो भी डायनेमिक पे सेट है, डायनेमिक और विविड, इसी पर मैं टेस्टिंग करता हूँ ज़्यादातर। देखो कलर टोन्स का ही फ़र्क है, जो कि कलर टोन थोड़े से शाओमी ज़्यादा सा पॉप कराने की कोशिश कर रहा है। फॉर माई लैकिंग थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करूँगा इसको। बट इसमें देखोगे आप, देखो स्किन टोन्स को देखो, थोड़े से ज़्यादा रेडिश दिख रही है स्किन टोन शाओमी में, जबकि सैमसंग में काफ़ी हद तक बेटर है, परफेक्टली आ रहा है। इसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बेटर लग रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट में डीपेस्ट ब्लैक वाला सीन है वो शाओमी में बेटर लग रहा है। तो शाओमी इज़ बेटर इन दिस कॉन्ट्रास्ट के मामले में। थोड़ा सा सैमसंग क्या कर रहा है, ओवरली ब्राइट कर रहा है चीज़ को कभी कभी, उस वाले पल्ला सीन में कर रहा था, इस वाले सीन में लगभग बराबर है। आई विल प्रेफर सैमसंग फॉर श्योर इस सीन में भी, बिकॉज जो डिटेल्स हैं वो टायर के आसपास देखो वो ज़्यादा दिख रही हैं सैमसंग में। तो डिटेलिंग के मामले में सैमसंग डेफिनेटली बेटर है। और अगर अपस्केलिंग की बात करूँ तो पीछे जो टेक्स्ट है ना वो मैं यहाँ से थोड़ा सा बेटर रीड कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली चाइनीज़ या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी वो उतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर मैं रीड कर पा रहा हूँ सैमसंग में। यहाँ पे स्किन टोन्स लगभग सिमिलर हैं। आई विल स्टिल प्रेफर सैमसंग, पर मैं पर्सनल लैकिंग है, ऐसा नहीं है कि शाओमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगभग 19-20 का ही फ़र्क है।
आप थोड़े बहुत कलर्स को स्टैंडर्ड मोड पर सेट करके कम भी कर सकते हो Xiaomi के, लेकिन डिटेलिंग्स लगभग बराबर दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अपस्केलिंग हो रहा है। लेट्स टेक द ब्लैक लेवल्स, आई थिंक दीज आर बेटर इन Xiaomi। ब्लैक लेवल्स थोड़े से बेटर आ रहे हैं Xiaomi में, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों में ही लाइट सेंसर लगा हुआ है, उस लाइट सेंसर के जरिए ही वो आपके ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं रूम की ब्राइटनेस के अनुसार। अभी इस वाले सीन में मैं पर्सनली Xiaomi को प्रेफर करूंगा बिकॉज कॉन्ट्रास्ट इनका सच में बेटर है। डीपेस्ट ब्लैक ज़्यादा अच्छे दिखा रहे हैं, ब्लैक लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं। लेट्स चेक, थोड़ा सा इसमें टेस्ट करेंगे हम 1080p फुटेज को, कि थोड़ा बहुत अपस्केलिंग होती भी है कि ऐसे ही मामला है। तो यहाँ पे हम अपस्केलिंग टेस्ट कर रहे हैं, 1080p फुटेज है। ब्लैक लेवल्स का तो हो गया है मामला कि भाई Xiaomi में बेटर दिख रहा है, बट अगर डिटेल्स की बात करोगे तो इसमें तो ज़्यादा मैं कुछ है ही नहीं ना, मोमबत्ती है एक सिर्फ। अगले सीन में जो ब्राइट सीन आएगा स्नो वाला, इस वाले सीन में अगर पूछोगे मुझसे तो कलर्स ज़्यादा पॉप कराने की कोशिश कर रहा है Xiaomi, फिर से मैं कहूँगा। जो सैमसंग है वो नेचुरल दिखा रहा है, जो कि पर्सनल चॉइस में इसमें मैं वैसे थोड़े से ओवरली पॉप कलर मुझे पसंद है, पर यहाँ पे थोड़े और ज़्यादा ही पॉप हो रहे हैं Xiaomi में, जो मेरी पर्सनल लाइकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, बढ़िया है, बट फिलहाल मैं सैमसंग को चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और ब्राइटनेस के मामले में भी वो ज़्यादा अच्छा बेटर दिखा रहा था, बट जो डार्क सीन्स हैं वो आपको Xiaomi में बेटर दिखेंगे, ब्राइट सीन्स सैमसंग में बेटर दिखेंगे। ओवरऑल इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते कि कौन सा बेटर है, बट अपस्केलिंग की अगर बात करोगे 1080p फुटेज है तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। दोनों लगभग बराबर से ही अपस्केल करके दे रहे हैं, और जी हाँ, दोनों ही अपस्केल करके तो दे रहे हैं थोड़ा बहुत। तो वीडियो क्वालिटी में अगर मुझसे पूछोगे तो देर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट डिटेल सेम है, ब्राइटनेस सेम है, कलर टोन सेम है। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स देखना चाहते हैं कि भैया हमें थोड़े से पॉपी कलर पसंद है, थोड़ा बहुत हम कम कर लें वो एडजस्टमेंट हो, तो Xiaomi बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें जो नॉर्मल टोन है, ज़्यादा हमें उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है पिक्चर क्वालिटी के साथ में, बस मस्त दिखना चाहिए विद अमेजिंग डिटेल्स एंड अमेजिंग ब्राइटनेस ऑल्सो, तो वहाँ पे आप सैमसंग की तरफ प्रेफर करेंगे। इवन दो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा लगी अब तक सैमसंग की, इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर HDR कंटेंट देखोगे तो आई थिंक दोनों में ही अच्छा दिखेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ट्यूनिंग है वो सैमसंग की बेटर रहेगी बिकॉज ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा सा HDR का टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, उसमें डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस लिखा रहा है, जबकि सैमसंग में सिर्फ 4K HDR लिखा रहा है। दोनों को मैंने रिज्यूम प्लेइंग किया है, लेट्स चेक इट आउट। देखिए, ओवरऑल थोड़ा बहुत जो कलर्स का सीन था वो थोड़ा सा बहुत बेटर दिख रहा है आपको Xiaomi में, बट आई पर्सनली प्रेफर यार, इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं, इसमें आपको बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लगभग सिमिलर ये मामला। बट ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो आई सजेस्ट थोड़ा सा ब्राइट है अपना सैमसंग वाला, इवन दो ये डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट थोड़ा तो ब्राइट है सैमसंग वाला, ये बात माननी पड़ेगी। और डार्क सीन्स में भी बेटर दिख रहा है यहाँ पे सैमसंग, क्योंकि ओवरऑल ब्राइट है, डिटेल्स रहेंगी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा। डॉल्बी विजन का सपोर्ट होते हुए भी यहाँ पे Xiaomi इतना बेटर परफॉर्म नहीं किया है मेरी नज़र में। यस, कलर्स आर बेटर इन HDR ऑल्सो, थोड़ा बहुत देखिए ऐसा होता है कि विविड पिक्चर इंजन अच्छे से काम कर बेटर बना रहा है, लेकिन वो पर्सनल लैकिंग के ऊपर बहुत आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कलर एडजस्ट नहीं कर सकते हो सैमसंग में, आप सेटिंग्स में जाके ईजिली कलर्स को और बेहतर बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए आप सेटिंग्स में जाओगे तो पिक्चर सेटिंग्स को प्रॉपर खोल सकते हो। इस पिक्चर सेटअप में जाके आप ब्राइटनेस, कलर्स, इसमें कलर्स का ऑप्शन आता है, इसमें आप बढ़ा दोगे तो आपके Xiaomi के बराबर आराम से निकल के आ जाएंगे। तो आई प्रेफर डिटेल्स ब्राइटनेस ओवर कलर्स अ लिटिल बिट। आई नो के कलर्स मुझे पर्सनली पसंद हैं, आप लोग बोलोगे किसी वीडियो में बोलते हो कलर्स मुझे पर्सनली पसंद हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन Xiaomi थोड़ा सा ज़्यादा ही करके दे रहा है, आई थिंक 10% ज़्यादा करके दे रहा है कलर्स को, बहुत ज़्यादा पॉप करने की कोशिश में बताता हूँ। तो HDR में भी विनर सैमसंग रहेगा बहुत बहुत ज़्यादा छोटे से मार्जिन से, और पर्सनल चॉइस इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव डिसीजन है। इन दोनों की पिक्चर क्वालिटी बहुत मस्त है, 32,000 में दोनों में से कोई भी ले लोगे पिक्चर क्वालिटी में किसी में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप ओवर थोड़े से बढ़िया कलर देखना चाहते हैं तो Xiaomi, थोड़े से ज़्यादा बेटर कलर देखना चाहते हैं तो Xiaomi, लेकिन थोड़े से ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं, थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखना चाहते हैं बट कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा बहुत, फिर से Xiaomi बेटर है क्योंकि डीपेस्ट ब्लैक लेवल ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो
मैं सैमसंग चूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई लाइक ब्राइटनेस मोर एंड नेचुरल टोन्स इन दिस केस एंड डिटेल्स, बिकॉज थोड़ी सी डिटेल्स मुझे ज़्यादा दिखी सैमसंग में. तो विनर रहेगा सैमसंग. तो एक बार हम ऑडियो टेस्ट और कर लेते हैं. वीडियो क्वालिटी में तो सैमसंग विनर आ रहा है थोड़े बहुत पॉइंट से यहाँ पे मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से. बट ऐसा नहीं है कि शाओमी बुरा है. शाओमी भी मतलब इसके 10 दूंगा मैं सैमसंग को, तो शाओमी को 9.9 दूंगा. सिर्फ 0.1 का ही फर्क है. लेट्स टेस्ट द ऑडियो. Riding down this road, oh my love, I can feel it in my bones. This is real, I hear your voice too close. Oh, this feeling grows while I'm filling up this void. Far away, far away, far beyond the limits. Every day, finding our soul. दोस्तों ये देखा आपने ऑडियो का टेस्ट. मैं आपको बात बता देता हूँ कि 20 वॉट के स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग के क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी में, जबकि शाओमी एक्स प्रो में आपको देखने को मिलते हैं 30 वॉट के स्पीकर्स. अगर आप बिगर साइज लेंगे तो आपको 40 वॉट के स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे. डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट करता है शाओमी का स्पीकर, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल हाई स्पेक क्लैरिटी देखोगे तो वो सैमसंग की बेटर थी, क्योंकि सैमसंग इतना लाउड जाता ही नहीं है. 20 वॉट के हिसाब से भी आई थिंक 60 से ऊपर आप लाउडनेस में चेंज फील ही नहीं करोगे. वॉल्यूम 60 से ऊपर आप 100 तक जा रहे हो तो लाउडनेस के ऊपर इतना फील होता ही नहीं है. मैंने इसके रिव्यू में भी बताया था. शाओमी का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाउड जाता है सैमसंग से और बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है 80-90 तक. 90 से ऊपर आप जाओगे तो डिस्टॉर्ट करती है आवाज, जबकि सैमसंग में 100 तक जाओगे तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा आपको. बट Obviously ऑडियो बेटर है Xiaomi में विद क्लैरिटी विद Dolby Atmos का सपोर्ट. तो यहाँ पे ऑडियो में विनर रहेगा Xiaomi. दोस्तों आई हो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वीडियो में सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है. लाइक इसको अगर मैं 10 दूंगा तो इसको 9.9 दूंगा, इसको 20 दूंगा तो इसको 19.9 दूंगा. लगभग बराबर सही है. अगर कलर्स थोड़े से ज़्यादा बेहतर चाहिए आपको, पॉपी कलर चाहिए तो मैं Xiaomi की तरफ जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे डिटेल्स बेहतर चाहिए, ब्राइटनेस बेटर चाहिए तो मैं इसकी तरफ जाऊँगा. अब ब्राइटनेस ज़्यादा है तो भैया ऑब्वियसली आपको कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, जबकि इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है विद सफिशियंट ब्राइटनेस ऑल्सो. ऐसा नहीं कि इसकी ब्राइटनेस कम है. दोनों में ही एक लाइट सेंसर लगा हुआ है जिसके जरिए वो रूम की एम्बिएंट लाइट के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं. आप बात कर लेते हैं पोर्ट्स की. तो इसमें आपको 3 HDMI मिलेंगे, इसमें भी आपको 3 HDMI मिलेंगे. इसमें आपको 2 USB मिलेंगे, इसमें आपको एक ही USB मिलेगा. और बाकी LAN पोर्ट दोनों में मिल जाएगा, HDMI आउट का पोर्ट मिल जाएगा और सफिशियंट पोर्ट. आपको कोई भी जरूरत इससे ज़्यादा पड़ने वाली है नहीं. तो पोर्ट्स में लगभग ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर टीवी की थिकनेस लगभग दोनों में ही बराबर है. इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो प्लास्टिक मटेरियल है बैक में, इसमें आपको मेटल यूज़ किया गया है Xiaomi में. तो डिज़ाइन वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा बेटर लगता है. ये दोनों ही टीवी बेजललेस हैं वैसे तो, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है वो मैं Xiaomi की तरफ विनर बना रहा हूँ, क्योंकि लुक वाइज भी अच्छा लगता है एंड जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल की वजह से बहुत सॉलिड हो जाती है. तो ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो सैमसंग विल बी अ बेटर पिक मेरे हिसाब से, बिकॉज यूजर इंटरफेस बढ़िया है. सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, पिक्चर क्वालिटी बेहतर है, ये भी थोड़ी सब्जेक्टिव है बट बेहतर है. और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, ऑडियो क्वालिटी में Xiaomi जीत रहा है. लेकिन अब बाकी की बात भी तो करोगे ना, सैमसंग का ट्रस्ट, सैमसंग का ब्रांड ट्रस्ट, सैमसंग की एट होम अमेजिंग सर्विस, उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास नहीं देखने को मिला. अब Xiaomi की प्रोस की बात करें तो इसमें आपको ऑडियो बहुत बेहतरीन मिलती है, वीडियो भी बहुत बेहतरीन मिलती है. इससे अच्छी नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी नहीं मिलती. बहुत बेहतरीन ऑडियो मिलती है, बहुत बेहतरीन ऑडियो वीडियो मिलती है. उसके साथ साथ हैंड्स फ्री का कंट्रोल मिल जाता है, बहुत ही अच्छा रिमोट मिल जाता है, पैचुअल गूगल टीवी प्लस मिल जाता है. तो दोनों ही बेहतर हैं, ऐसी बात नहीं है. अगर एक ही चूज़ करना होगा तो मैं पर्सनली सैमसंग की तरफ जाऊँगा, लेकिन अगर आपको वो एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट है और थोड़ा सा चाहते हो कि भैया ऑडियो बेहतर मिले तो Xiaomi का अच्छा पिक रहेगा. वीडियो पे क्वालिटी की अगर चाहते हो तो सैमसंग की तरफ रहेंगे. तो अलग अलग
टॉपिक्स में अलग अलग विनर है यहाँ पे। ओवरऑल मैं सैमसंग को बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड मैटर्स, पिक्चर क्वालिटी मैटर्स, स्पीड एंड पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतर है ये टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।